नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आप लोग एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसी पहलू को भूल जाते हैं अपने क्रिमिनल केसेस के अंदर। आप क्या करते हैं, ये तो पता है कि आपकी पत्नी ने झूठा केस लगाया, इसका तो आप डंका पीट देते हैं सब जगह पे, सब जगह काउंसलिंग ले लेते हैं, सब दोस्तों से बात कर लेते हैं, सब रिश्तेदारों को समझा देते हैं, इधर उधर जितनी जानकारियाँ हैं करनी है कर लेते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, व्हाट्सअप चैटिंग में खूब अपनी पत्नियों के बारे में गलत बोलते हैं। पर इतनी सूचना चारों तरफ प्रसारित करना ज़रूरी है? जाके उनको बोल दीजिए ना जिनसे न्याय चाहिए, कोर्ट को बताइए ना कि आपकी पत्नी ने झूठा केस लगाया है, कैसे बताएंगे? यही आज के वीडियो का सोल्यूशन है, कैसे बताना चाहिए। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इतना सिंपल कि था आपके सामने, आपको भी दिख रहा था, पर दिमाग में आया क्यों नहीं, ये वीडियो अंत होते होते आपके दिमाग में आ जाएगी बात। अगर ऐसा इस तरह का सोल्यूशन आप करते हैं जो आज इस जजमेंट के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, लेटेस्ट जजमेंट है, हाईकोर्ट का जजमेंट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का जजमेंट है और बेहतरीन बानगी इसमें सेट की है। उदाहरण इतना ज़बरदस्त है कि आप अपने केस को आसानी से रफा दफा कर सकते हैं। क्यों लड़ना है केस, खत्म कीजिए। एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसीलिए हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए, अपने स्किल्स को थोड़ा डेवलप कीजिए, क्योंकि एजुकेशन शेरनी का दूध है, दहाड़ना सिखा देती है। जो एजुकेशन नाम का दूध पी लेता है ना तो फिर वो दहाड़ने लग जाता है, आप भी दहाड़ सकते हैं। इसी के अंदर हमने एक कड़ी जोड़ी है अपने कोर्सेज के थ्रू और इन कोर्सेज के थ्रू हमने काफ़ी शेयर बना दिए हैं लोगों को और हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों तक हम पहुँचें जिनको सच में समझ में आता है न्याय सुलभ है, आसान है। हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली व्यवस्था जो है वो गलत नहीं है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के संविधान के नीचे लिखा हुआ कोई भी कानून नहीं गलत है, यहां तक कि कोई भी कानून जेंडर बायस नहीं है। यही हमारे कोर्सेज के अंदर सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि अगर आप न्यूट्रल थ्योरी को अडॉप्ट कर लेंगे और कानून की जगह ये समझना शुरू करेंगे कि आप कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हैं अपने केस के अंदर, तो हमारे कोर्स इसी सफलता की तरफ लेके जाते हैं, सीधा निशाना निशाने पर लगवाते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने ये कोर्सेज ज्वाइन किए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने केसेस में, या तो बाहर आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। और आपसे पहले अभी अभी कुछ लोगों ने कोर्सेज जो ज्वाइन किए हैं एक दो हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वो अपने आप को बहुत मजबूत पाते हैं और अब कॉन्फिडेंट हैं कि कम से कम सेफ तो हैं। एक चीज़ ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इन कोर्सेज का अगर हिस्सा होना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना इस पर एक मैसेज डालिए, मैसेज डालने के बाद डिटेल्स मांगिए, डिटेल्स आपको दी जाएंगी, उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद अगर आपका मन करता है तो ये कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं और आपको लग रहा है कि मैं उस समाधान का हिस्सा बन सकता हूं और आपको बेहतरीन समाधान दे सकता हूं, तो फिर इससे बढ़िया क्या बात है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज डालिए। मैसेज डालने के बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको मैसेज के थ्रू ही अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और फिर आपके पास दिए गए टाइम पे मेरा कॉल आएगा और उस कॉल के थ्रू आपके जो समस्या है, कानूनी समस्या है, उसका समाधान निकालने की मैं पुरजोर कोशिश करूंगा और एक बेहतरीन समाधान पेश करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं आज के जजमेंट पे। देखिए सिंपल जजमेंट है पर इसको हर 202 के अंडर लगाए जाने वाले, सीआरपीसी के अंडर लगाए जाने वाले केसेस के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन माना जाए, ना कि जजमेंट से ऊपर गाइडलाइन या एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाए। क्या है इसके अंदर, हुआ क्या था कि इसके अंदर लोअर कोर्ट में एक केस दायर हुआ और जहां एफआईआर दर्ज हुई वहां पर जांच में बहुत ज़्यादा खामी थी, बहुत गलतियाँ थी। जब ये गलतियाँ जो थी, इस सारी गलतियों को बाकायदा फोकस करके लोअर कोर्ट को ये बात जो है बाकायदा जो रिस्पॉन्डेंट थे जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी उन्होंने बताया कि एफआईआर में बहुत सारी खामियां हैं और प्लीज़ आप इसे प्रॉपरली एक बार परीक्षण पर ले आइए। ट्रायल कोर्ट नहीं माना। जब ट्रायल कोर्ट ने इस बात को नहीं माना तो ऐसी सूरत में मजबूती से इस केस को लड़ते हुए रिस्पोंडेंट साहब पहुंच गए हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के अंदर जब ये बात डाली गई तो हाईकोर्ट ने कहा बात तो ठीक है पर ये पावर तो वैसे भी ट्रायल कोर्ट के पास है और ट्रायल कोर्ट की इस पावर को बाकायदा खुद याचिकाकर्ता ने जो इसको बाकायदा खारिज करने के लिए हाईकोर्ट गए थे या इसके अंदर एक संशोधन करने के लिए हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसके अंदर इंटरफेयर करें ही क्यों, ये तो ये पावर तो लोअर कोर्ट का। कहने का मतलब यह है कि ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर अपना दिमाग खर्च ही क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने क्लियर कह दिया कि इसको तो बाकायदा ट्रायल कोर्ट अपनी तरफ से सही कर सकता था, आपने बाकायदा वापस से पुनर्निरीक्षण या फिर रीइन्वेस्टिगेशन की जाँच की थी और जांच की आपने खुद ने मांग की थी तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन खोला क्यों नहीं गया, क्योंकि जो 202 सीआरपीसी की जो कार्रवाई है उसके अंदर 203 के अंदर या तो इसको खारिज किया जाएगा और वापस री इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या फिर 204 में फिर इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर ऑप्शन ये दिया गया था कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को उचित लगे तब, परंतु अगर वहां पर आपने स्वयं जांच करके और कुछ खामियां वहां बता दिए तो वो फिर री इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा और उसके अंदर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात आनी चाहिए, जोड़ देना चाहिए और इस बात के लिए बकायदा
ट्रायल कोर्ट जो है वो बाध्य है कि ऐसी चीज़ों पर, ऐसी एप्लीकेशंस पर ध्यान दें। आप कहेंगे साहब इसमें मेरा क्या फ़ायदा, आप लोग जो हैं देखिए 498 हो, झूठा 376 हो, 354 हो या 377 हो, ये सबको पता है कि आपको लपेटने के लिए, एक अंधी वसूली के लिए आपके साथ ये सब कुछ किया जाता है। अगर आप किसी भी स्तर पर इसको री इन्वेस्टिगेट कराते हैं या तो SPSSP के थ्रू या फिर अगर कोर्ट में मैटर चला गया है तो किसी भी स्टेज पे हूं, कहीं भी हूं, लास्ट स्टेज पे भी आगे हूं तो भी री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स आप करवा सकते हैं। इसलिए कि आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाती तो शायद ये केस ही नहीं लगता, और अगर ये केस लगा भी तो एटलीस्ट ये मेरिट्स पे डिसाइड होता। इस केस में भी यही है जैसे आपके साथ होता है कि दूसरे थाने में जाकर रिपोर्ट करा दी जाती है। मान लीजिए आपका ससुराल दिल्ली में है और आपकी पत्नी जो है वो बकायदा बिहार के किसी से, पटना मान लेते हैं, पटना की रहने वाली हैं और पिहर उनका पटना में है, सारी घटनाक्रम वो वहाँ की बता रही हैं और जाके पटना में केस कर दिया। और आप देख लीजिए, आप सभी के केस में यही होता है कि आप लोग जब अपने केस के अंदर बकायदा देखते हैं तो वहीं पर सारी जाँचें पूरी कर ली जाती हैं। जैसे पटना की बीवी है तो वहीं पर पिहर के अंदर ही सारी जाँचें पूरी कर ली जाती हैं, कोई मौका मुआयना नहीं होता, वहाँ के इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वहाँ पर बयान नहीं लिए जाते, सबूत इकट्ठे नहीं किए जाते, बस क्षेत्राधिकार नहीं होने की वजह से एक लिमिटेशन के अंदर ही सब कुछ होता है और FIR जबरदस्ती लॉन्च कर दी जाती है। इस केस में यही हुआ था, इस केस के अंदर यही हुआ था कि बकायदा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बकायदा पुलिस अधिकारियों ने कोई मूवमेंट ही नहीं किया। जिस आदमी को इस केस में झूठा फंसाया जा रहा था वहां जाके बकायदा कोई निरीक्षण नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, घटना के बारे में कोई ढंग से जांच पड़ताल नहीं हुई और ना ही कोई सबूत इकट्ठे किए गए, बस FIR लॉन्च की, केस चार्जशीटेड किया और ले जाके कोर्ट में टांग दिया। ये तो आपके साथ हो रहा है। तो आपको मैं जो शुरुआत में कह रहा था वो ये था कि आपके सामने आपकी FIR रखी हुई है, उठाइए और उसका इन्वेस्टिगेशन करवाइए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन कैसे होती है या इसके अंदर हम कोई क्रिमिनल रिविजन पिटिशन लगा दें, हर चीज़ हाईकोर्ट से सॉल्व करें, ये पावर्स जो है ट्रायल कोर्ट्स के पास भी हैं। और बकायदा इसके लिए यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं जब कई बार गाइडलाइन जारी की गई कि ट्रायल कोर्ट्स परीक्षण को ध्यान में रखें, निरीक्षण को ध्यान में रखें। इससे पहले गए हफ्ते ही मैंने एक और वीडियो इसी सेम टॉपिक पे बनाया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर ही क्वेश्चन का एक उम्मीद जगा देगी। अगर आपको बात समझ में आई है तो अपने केस में इंप्लीमेंट कीजिएगा, और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अगर आपके थॉट प्रोसेस काम करना शुरू हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए के जाइएगा, और लाइक करके शेयर कीजिए ऐसे ही लोगों को जो आप ही की तरह परेशान हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, पहला बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखते रहते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।